अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पेरियटन कराची। आज मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर फारूक साहब और हम बात करेंगे, एक डिस्कशन टॉपिक लेकर आए हैं 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स जो हैं पेरियटन कराची में, उस हवाले से कि अभी करंटली उनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं, लास्ट 6 मंथ्स में हमें क्या देखने को मिला, क्या क्यूरीज 6 महीने पहले आती थी और उन क्यूरीज के जवाब जो है वो मार्केट आज दे रही है, तो इस हवाले से जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। कैसे हुए? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कहिए सर। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा अबू बकर भाई, जो मैंने एक चीज़ देखी थी 6 माह पहले या 4 माह पहले कि हमें कॉल आती थी कि हमें 33 के अंदर जो है वो एक 70-80 लाख के बजट में रहते हुए 500 गज चाहिए, लेकिन हम मुझे 1 करोड़ से नीचे नहीं नज़र आता था। 41 में मैं जाता था, स्पोर्ट्स सिटी के अभी बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी सेम सिनेरियो था कि 80 से 90 लाख तक की प्राइसेस पहुँची हुई थी, ऐसे ही और लोगों का बजट क्या था 60 से 65 लाख के दरमियान में। लेकिन आज मार्केट उन लोगों को आवाज़ दे रही है कि मतलब मैं आपके उन सवालों का जवाब दे रही हूँ आज के, आपका 60 लाख का सवाल था तो मैं 60 लाख पे, ऐसे ही है, तो इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल। आज की अगर हम सूरत हाल को देखते हैं, जिस तरह मार्केट चल रही है, और आपने जो है वो सवाल भी खुद बनाया और जवाब भी आप इसमें बहुत अच्छा रखा है कि मार्केट जो है वो आज खुद आवाज़ दे रही है, कस्टमर को आवाज़ दे रही है। इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब यहाँ पे 1 करोड़ का रेट था और मार्केट का जो कस्टमर था उसकी डिमांड या उसकी रिक्वायरमेंट 60 लाख की थी, आज अगर हम उसी कस्टमर को लेके सामने बैठते हैं तो वो 60 लाख रुपया लेके बैठा हुआ है, लेकिन मार्केट भी जो है वो 60 लाख में आ गई है। 33 की अगर आप बात करें, ये हम कभी भी नहीं सोच सकते थे 33 जो है वो 90 लाख से 80 लाख से नीचे आए। आपने 41 की बात की, अब 41 की अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, सिर्फ डस्ट ट्रैक बनाए गए हैं और कुछ रोड जो है उन्होंने कारपेट तो खैर नहीं किए, वो भी डस्ट ट्रैक की सूरत में ये प्लॉट की कटिंग की है, तो वहाँ पे 90 लाख का रेट आ गया था, क्योंकि 33 के बाद कुछ सेकेंड ऑप्शन ही नहीं था जिसमें लोग जाके 80 लाख का या 75 लाख का प्लॉट लें। उनके पास जो ऑप्शन था वो 41 का ऑप्शन था। 41 के अंदर बाइंग हुई है, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बाइंग हुई है कि आज हम यहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं। कंपैरिजन उसको किया गया था 33 के साथ, एक टाइम पहले 33 के अंदर 75 लाख का रेट था, आज वहाँ पे जो है वो 1 करोड़ 10 लाख का रेट है। ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 4-5 माह बैक, अभी की हम बात नहीं कर रहे, अभी की हम डिस्कस करेंगे इसी सारी चीज़ों को तरतीब देते हुए। तो 41 के अंदर बाइंग हुई 33 को देखते हुए कि 33 के अंदर 1 करोड़ 10 लाख का रेट है, 41 के अंदर भी आने वाले टाइम में हमें 1 करोड़ 5 लाख का रेट मिलेगा, फिर भी 5 लाख की स्पेस थी, डिस्टेंस सेम है, लोकेशन तकरीबन सेम है, प्लॉट की कैटेगरी सेम है और स्टेडियम को ही फेस करते हैं, ये भी हम चीज़ कह सकते हैं। 41 जिना को भी फेस करता है। आज ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरह टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से आ गए हैं, या एक अजीब सी मतलब कंडीशन हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है, ये नहीं है कि मार्केट के अंदर बाहर नहीं है, आज भी हमें मार्केट के अंदर बायर मिल रहा है, लेकिन अक्सर हम चीज़ वो करते हैं कि 12 माह के अंदर ना कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें तकरीबन 4 माह डीलर के होते हैं, 4 माह जो है वो सेलर के होते हैं और जो 4 माह वो बायर के होते हैं। बिल्कुल, आज एग्जैक्ट अगर हम टाइम देखें तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या जो इन्वेस्टमेंट आज भी बंदे कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इतना शो ऑफ होके नहीं कर रहे, चीज़ों को थोड़ा सा हिडन रख के प्रॉपर्टी अपनी ले रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ सेम चल रहा है, लेकिन लोग जो है ना बेचारे जो मतलब टैक्सेस को या गवर्नमेंट के हालात या पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात जब वो सामने रखते हैं, डॉलर के रेट सामने रखते हैं, सारी चीज़ों को मद्देनज़र जब वो रखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। आज सेलर आपको तकरीबन 90% मार्केट के अंदर मिलेगा जो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आया हुआ है, जबकि उसका टाइम ही नहीं है, जबकि उसका एग्जैक्ट टाइम ही नहीं है और बायर नज़र नहीं आ रहा और उसका टाइम है, जब सेलर का टाइम आएगा तो बायर फौरन से कूद पड़ेगा। आज वो 33 के अंदर आपको 70 लाख में प्लॉट मिल रहा है, जो बंदा आज आपको 70 लाख में प्लॉट दे रहा है उसने 1 करोड़ 15 लाख की बाइंग की है। आप देखें, पहले ये था कि बैरिया टाउन के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं, बैरिया टाउन के ऊपर केस चल रहा है, बैरिया टाउन के अंदर लोग आ नहीं रहे, बैरिया टाउन को लोग फेवरेट नहीं समझ रहे, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा, ये बैरिया जो है वो कराची के अंदर एक अलग से प्रोजेक्ट है, पता नहीं लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, बैरिया डिलीवर करेगा नहीं करेगा। पहले मार्केट डाउन होती थी इन्हीं चीज़ों की बेस पर, बैरिया टाउन को पिन पॉइंट करके कि बैरिया टाउन के अंदर ये मसाइल चल रहे हैं तो ही मार्केट नीचे आ रही है, तो मार्केट के अंदर बाहर नहीं आ रहा। आज तो बैरिया टाउन का कुछ भी नहीं है, आज तो बैरिया टाउन ने डिलीवर भी कर दी हर चीज़, डेवलपमेंट भी कर दी है, लोग भी यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए, प्रॉपर्टी जो है वो अपने एक रिदम में आ गई है, तकरीबन आज हमें 99% यहाँ पे डेवलपमेंट मिलती है, फिर भी आज हमें बाहर नहीं मिल रहा, सेलर जो है वो
रिवर्स जा रहा है, नुकसान में वो खुद जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं है। अक्सर हमारी मतलब इन्हीं मौका के ऊपर वीडियोज़ आती हैं अदनान साहब की आती हैं, जिसमें वो सेलर को स्टॉप कर देते हैं कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं सेल करें, लोगों की बातों में नहीं है। उतना क्राइसिस मार्केट में नहीं आते जितना हम डीलर लोग खुद बना देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आज 1,15,00,000 वाला प्लॉट 70 लाख का है, डीलर मार्केट में सेलर आएगा मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, हम लोग उससे अपनी उससे फाइल ले लेंगे, फाइल लेके उसके साथ एग्रीमेंट कर देंगे, एग्रीमेंट करके उसे 5,00,000 रुपये का टोकन देके 2 माह का टाइम ट्रांसफर का ले लेंगे। 2 माह से पहले हम ट्रांसफर नहीं लेंगे उस बंदे से। 2 माह तक जितना भी गवर्नमेंट डिस्टर्ब रहे, जितना भी डॉलर रेट डिस्टर्ब रहे, ये टैक्स चलते रहे, जिस तरह से भी होते रहे, हम डीलर लोग इसी मार्केट के ऊपर उठा देंगे। अगर 1,15,00,000 से रिवर्स आई है, एग्जैक्टली हम 1,15,00,000 का वापस रेट ले आएंगे, और 70 लाख में हमने पहले बाइंग की है, बाइंग करके हम अच्छा खासा उससे प्रॉफिट कमा के लेके सेलर को मार देंगे। तो ये आप बहरिया टाउन के अंदर हमेशा से चीज़ें देखते आ रहे हैं। मतलब हमारा जो टॉपिक था वो 500 स्क्वायर यार्ड था, जिसमें आपने सवाल ही कुछ ऐसा किया है कि हमें ये चीज़ें मजबूरन डिस्कस करना पड़ी यहाँ पे। अच्छा वो अगर भाई इसमें गोल्फ में बहुत हाइप रही, लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट रही गोल्फ के हवाले से, अगर मैं एक वीडियो बनाता था तो मुझे सबसे ज़्यादा कॉल वॉल्यूम जो जनरेट होता था वो गोल्फ के 500 स्क्वायर यार्ड पे बिल्कुल होता था। तो गोल्फ में क्या सूरत हाल इस टाइम पे चल रही है? गोल्फ के अंदर देखें हमेशा से एक चीज़ हमारी रही है, आपने भी वीडियोज़ यहाँ पे दी हैं, और आपको उस टाइम चीज़ों का पता चलता है जब आपको डिमांड के लिए कस्टमर कॉल करता है कि ये वाली प्रॉपर्टी की, ये वाले एरिया की या प्रेसिडेंट की क्या डिमांड चल रही है, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि सामने प्लॉट पड़ा है 500 गज का, गोल्फ के अंदर भी प्लॉट है, 4 के अंदर भी प्लॉट है, 17 के अंदर है, बैरिया हिल्स के अंदर है, कैटेगरी तो सबकी सेम है, लोकेशन में भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन उसकी असल वैल्यू उस टाइम बनती है जब आपको कस्टमर कॉल करके उसकी डिमांड करता है और आप उसको मार्केट में ढूंढने के लिए जाते हैं, आपको उस टाइम प्रॉपर्टी नहीं मिलती। गोल्फ के हवाले से हमारे यही मतलब व्यू रहे हैं कि गोल्फ अपने ही रिदम में चल रहा है, उसको मार्केट के डाउन होने से कोई फ़र्क नहीं है, उसको मार्केट के अप जाने से कोई फ़र्क नहीं है। इसी में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे गोल्फ को 33 के साथ, जो कि गोल्फ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लोकेशन वाइज अगर देखा जाए या कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 33 गोल्फ के मुकाबले में नहीं है, लेकिन प्राइस के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, 33 के अंदर हमें 1,25,00,000 का रेट मिला है लोकेशन वाले प्लॉट का या नॉर्मल प्लॉट का। गोल्फ के अंदर हमें जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो मिनिमम प्राइस है, वो 90 लाख की भी मिली है, हमें बुकिंग की 80 लाख की भी प्राइस मिली है, 70 लाख की भी प्राइस मिली है। बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, जिससे हम गोल्फ फेसिंग कह सकते हैं, वेस्ट ओपन कह सकते हैं, बैक फ्रंट ओपन कह सकते हैं, रोड का प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट, जिसे मतलब हम 3 से 4 कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें गोल्फ फेसिंग है, फ्रंट बैक ओपन है, सिंगल बेल्ट है, रोड है, कॉर्नर है, वो वाले प्लॉट की जाके हमें 1.5 करोड़ की प्राइस मिली है। क्या डिफरेंस मिला है आपको प्राइस का? कुछ भी नहीं मिला। अगर 33 के अंदर आप 1,25,00,000 का रेट मिल रहा है एक नॉर्मल लोकेशन प्लॉट का, जबकि वो एग्जैक्ट प्रॉपर लोकेशन नहीं बनती, तो आपको यहाँ पे 25 लाख के डिफरेंस पे उससे भी अच्छा प्लॉट मिल रहा है। बिल्कुल, गोल्फ फेसिंग है, एक अलग सी कैटेगरी आ गई है, एक यूनिकनेस आ जाती है, यूनिकनेस आ सिटी के अंदर। मेन जो चीज़ आप डिस्टेंस चेक करें ना, 33 का जो है वो गोल्फ तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बिल्कुल, और मेन गेट से 10 किलोमीटर गोल्फ है अगर हम इसको हाईवे के साथ कंपेयर करते हैं। मकसद ये है कि आज मार्केट डाउन है और तकरीबन 25 से 30 लाख का मार्केट के अंदर हमें डिफरेंस मिल रहा है माइनस का, ये हम मतलब कह सकते हैं, ओपनली ये चीज़ कह सकते हैं, जो कि रियलिटी अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा हिडन लेके चल रहे हैं। कोई भी कॉल आती है वो बंदा इन्फॉर्मेशन ले रहा है बायर होने के नाते या सेलर होने के नाते, सेलर को हम ये कहते हैं सर मार्केट के अंदर बायर ही नहीं है, मार्केट नीचे आ गई है, उसे ये नहीं बताते कि कितनी मार्केट नीचे आई है, उसका रीज़न क्या है, बिल्कुल, और क्यों मार्केट नीचे आई है। सेलर को हम यही कहते हैं सर मार्केट नीचे आ गई है, आपका ये प्लॉट पड़ा हुआ है, अगर आपने बेचना है तो बेच दें, नहीं बेचना तो हम उसे क्या करते हैं अपनी तरफ माइल करते हैं, नहीं बेचना तो ना बेचें, लेकिन ये एक रेट आप ऊपर नहीं जा सकता, जो आप अपना एक फेवरेट रेट चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। बायर की हमें कॉल आ रही है सेम नंबर पर, सेम पर्सन को 2 अलग अलग बंदों की कॉल आ रही है, बायर को हम ये कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी मार्केट चल रही है सर, यहाँ पे ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है,
यार मैंने तो सुना है कि मार्केट नीचे आई। नहीं नहीं सर आपने गलत सुना है, मतलब ये वो वाली चीज़ें जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही होती है कॉल पे या व्हाट्सएप पे ओवरसीज के साथ हमारी चल रही होती है, हम एग्जैक्ट रियलिटी उनको नहीं देते। और आ जाके जो बेचारा मार खा जाता है वो सेलर खा जाता है, क्योंकि उसे रियलिटी के वो वर्ड ही नहीं मिलते, वो चीज़ें नहीं मिलती जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, क्योंकि वो तो मार्केट में बैठा ही नहीं है, उससे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यहाँ तो उसने यूट्यूब वीडियो से कुछ चीज़ों का अंदाज़ा करना है, यहाँ उसका जो मार्केट के अंदर कंसल्टेंट है उसने उससे चीज़ों को कंफर्म करना है, और कंसल्टेंट जो है वो कभी भी उसे हकीकत की दुनिया नहीं दिखाएगा। बिल्कुल, वो उसे इतना मतलब डरा देगा, इतना कर देगा, वो बैरियर डाउन किया, वो कहीं भी जाकर कोई चीज़ खरीदने का सोचेगा ही नहीं। ऐसे ही जो चीज़ उसके पास पड़ी है वो बेचने का सोचेगा कि मैं इसे जल्दी जल्दी बेच दूँ। लेकिन आज वही बंदा 20 लाख मतलब लॉस करके अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, जब मार्केट फिर बेहतर हो जाती है वही बंदा 50 लाख प्रॉफिट में जाकर दूसरी चीज़ खरीदता है। बिल्कुल ऐसे ही 20 लाख का उसने अभी नुकसान किया है, 20 लाख का उसने दोबारा करना है, 40 लाख के नुकसान में वो बंदा दोबारा फिर प्रॉपर्टी तेज मार्केट में खरीदता है। गोल्फ का आपने यहाँ पे किया है, सॉरी वो बीच में रह गया था, गोल्फ मार्केट के साथ नहीं चलता, उसकी एक अपनी ही वर्थ है, उसकी एक अपनी ही वैल्यू है, जो उसके अंदर पहले दिन से लोगों ने बाइंग की है अभी तक मेरे नज़रिए के मुताबिक वही बंदे चल रहे हैं। फाइल ज़्यादा रोटेट नहीं हुई, फाइल ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर घूमी नहीं है, मतलब जिन्होंने बाइंग की है वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे रख के बैठे हुए हैं और वो फ्यूचर में यहाँ पे घर बनाने के प्लान से बैठे हुए हैं। गोल्फ के अंदर इन्वेस्टर नहीं आया, ये इन्वेस्टर का ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर को यहाँ अगर वो बाइंग करता है तो जाके तकरीबन 8-10 साल बाद जाकर भी प्रॉफिट यहाँ से मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पर हमें एंड यूज़र मिलता है और हमें यहाँ पर बायर मिलता है। सही। तो व्यूअर्स, जो डिस्कशन थी बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग, के हम बाइंग की तरफ जाएं। सेलर्स के लिए ये रिकमेंडेशन थी कि अभी ये सेलिंग टाइम नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, कोई अर्जेंसी नहीं है, अगर कोई अर्जेंसी भी है तो किसी और चीज़ को जो आपकी प्रॉफिट में नफ़े में जाते हुए आपके पैसे पूरे करती है उसको सेल करके अपनी वो अर्जेंसी जो है वो पूरी कर सकते हैं। बैरियर डाउन कराची या ओवरऑल रियल स्टेट जितनी भी है पाकिस्तान की, हमारे मुल्की हालात की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, टैक्सेस की वजह से लोग परेशान हैं, हर साल परेशान होते हैं जब भी नई पॉलिसीज आती हैं, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि नई कोई भी चीज़ है उसको अडॉप्ट करते हुए हमें टाइम लेते हैं, हम पहले दूसरों का मुंह देखते हैं किस तरह से लाल हो रहा है, फिर उसके बाद जो है वो अपनी तरफ जाते हैं, ठीक है, जबकि जिन्होंने पहले लाल करवा लिया होता है वो उससे फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ये बाइंग का टाइम है, अगर किसी भी तरह की बाइंग करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। लोगों की या कंसल्टेंट्स कॉल करके, हमारे ही कोलीग्स हैं, हमारे ही भाई हैं मार्केट में काम करने वाले, वो कॉल्स पे आप लोगों को डराते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अदनान साहब की बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, सेल करने से पहले अपने 5 से 10 लोग जो हैं वो मार्केट के दोस्त बनाएं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें, एज अ सेलर भी करें, एज अ बायर भी करें, फिर आप एक नतीजा निकालें और उसके बाद जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की बाइंग की तरफ जाएं। तो सर कोई एंड पे मैसेज देना चाहें? तो व्यूअर्स, 500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से या बैरियर डाउन कराची में किसी भी तरह की क्यूरी के लिए स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।